नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 28 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हम गिव अवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। तो आज के गिव अवे 3 के सवाल का जवाब देने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि आज का सवाल आज की 25 बड़ी खबरों में ही पूछा जाएगा। तो सही जवाब देने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। 3 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा पीएफ का लाभ। नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब सभी नियोजित प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को अब 1 अप्रैल 2019 से पीएफ का लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें, इस बात की पुष्टि एडवोकेट जनरल ने अपनी मुहर लगाकर कर दी है। सभी शिक्षकों को ईपीएफ की राशि देने के लिए बैंकों में विशेष खाता खोलने का भी आदेश दिया गया है। 21 जनवरी को एक बार फिर से होगा मानव श्रृंखला का निर्माण। पटना में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अगले साल से एक बार फिर मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि इस बार बनाया जा रहा ये मानव श्रृंखला पहले बनाए गए मानव श्रृंखला से काफी ज्यादा अलग और खास होगा। आपको बताते, सरकार द्वारा बनाए जा रहे इस मानव श्रृंखलाओं का अहम उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के एग्जाम पैटर्न में हुआ बदलाव। सभी मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने सभी परीक्षार्थियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत आगामी एग्जाम के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सीबीएसई का कहना है कि यह बदलाव छात्रों के क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ावा देने और विश्लेषण के नजरिए का आकलन करने के लिए किया जा रहा है, जिसके तहत अगले साल होने वाले 10वीं क्लास की परीक्षा में 20% सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, वहीं 10% सवाल क्रिएटिव थिंकिंग पर आधारित होंगे। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग व्यवस्था में होगा बदलाव। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिसंबर महीने में काफी कुछ बदला सा दिखेगा, जिसके तहत अगले महीने से एयरपोर्ट परिसर में पार्किंग व्यवस्था और गाड़ियों की आवाजाही में बदलाव देखा जाएगा। एयरपोर्ट में एंट्री और एग्जिट के लिए प्रशासन ने नई सड़कों का निर्माण किया है, जहां से अब स्टेट हैंडल के सामने से टर्मिनल बिल्डिंग होते हुए गाड़ियां अब आगे जाएंगी। निजी गाड़ियां अब टोल फ्री होंगी। वहीं नई पार्किंग पॉलिसी के तहत 10 मिनट फ्री पार्किंग का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, साथ ही साथ नए रेट को लागू भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश की अब एक और नई पहल। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार पूरी जद्दोजहद से लगे हुए हैं। इसके तहत नीतीश कुमार इन दिनों अब सभी धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं, जो समय के साथ कहीं इतिहास के पन्नों में रह गया है। राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की मुहिम के बाद अब नीतीश कुमार बिहार शरीफ के हिरण्य पहाड़ी का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से हिरण्य पहाड़ी को विकसित करने का निर्देश दिया, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ी के विकास हेतु कई योजनाएं और रणनीतियां भी तैयार की। गंगा बचाओ अभियान की कवायद में अब जुड़े युवा भी। गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता बढ़ाने और साथ ही साथ गंगा के जल स्तर को भी बढ़ावा देने के लिए बिहार के 3 युवा इंजीनियर संजीव कुमार, संदीप कुमार और विकास कुमार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुहिम का हिस्सा बनेंगे। बिहार के इन 3 युवा इंजीनियर ने इसके लिए सेव गंगा, सेव एनवायरमेंट और सेव बिहार नामक योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 2 चरणों में चलाई जाएगी, जिसके तहत पहले चरण में गंगा के किनारे करीब 1 लाख पौधारोपण का कार्य किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में लगभग 10 लाख फलदार पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना से हम किसानों और बेरोजगार युवाओं को भी जोड़ने की योजना बना रहे हैं। सीपी ठाकुर ने कुशवाहा को दिया एनडीए में वापस आने का निमंत्रण। विपक्षी गठबंधन दल के उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भाजपा सांसद सीपी ठाकुर ने मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि राजनीति में गलतियां होती रहती है, जिसे सुधारने की गुंजाइश भी बची रहती है। इसलिए मैं उपेंद्र कुशवाहा को यह सलाह देना चाहता हूं कि वो भाजपा और एनडीए के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करें और गठबंधन में वापस आ जाएं। बिहार के बेगूसराय के नौलखा मंदिर में आपको यह सब देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे बिहार के बेगूसराय जिले के नौलखा मंदिर के बारे में। इस नौलखा मंदिर का निर्माण 1993 में श्री महंत महावीर दास ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास 600 एकड़ जमीन थी, मगर इस मंदिर ने केवल 35 एकड़ की जमीन में ही अपना नाम की है। इस मंदिर में रामचंद्र जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर से सुबह में आरती के बाद भक्तजन मंदिर का दर्शन करने आते हैं। मंदिर के अंदर राम लक्ष्मण सीता और बजरंगबली की प्रतिमा रखी गई है, साथ ही साथ पिंड की भी स्थापना की गई है। मंदिर के चारों ओर हरियाली का भी खास ध्यान रखा गया है। कहा जाता है कि चांदनी रात में इस मंदिर की प्रकाश ऐसी निकलती थी कि अंधेरी रात में भी लोग दूर से ही इस मंदिर को पहचान लेते थे। 26 सालों से बने इस मंदिर में भक्तजनों का मेला लगा रहता है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने पूरी दुनिया में बिहार का लोहा मनवाया है। आज हम बात करेंगे श्वेता सिंह की, जिन्होंने
पत्रकारिता के क्षेत्र में पटना से निकलकर अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है। इस वक्त श्वेता आज तक के मशहूर एंकरों में से एक है। श्वेता का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 21 अगस्त 1977 में हुआ था। श्वेता बचपन से ही फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहती थी, मगर बाद में वो पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ गई। श्वेता ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई भी पटना वुमेन्स कॉलेज से की थी, जिसके बाद 1998 में उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। वहीं 2000 में उन्होंने आज तक चैनल ज्वाइन किया, जिसके बाद से आज तक वो वहीं हैं। श्वेता आज के समय में उन पत्रकारों में गिनी जाती हैं जिनकी पत्रकारिता से अच्छे अच्छे नेता और राजनेता चुप्पी साध लेते हैं। श्वेता ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना नाम बल्कि समूचे बिहार का नाम रोशन किया है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बिहार पर दिया बड़ा बयान। बिहार के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने संविधान दिवस के मौके पर गोवा विश्वविद्यालय मैदान में आयोजित एक समारोह में बिहार के जमींदारी उन्मूलन पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में सबसे बेहतर तरीके से जमींदारी उन्मूलन अधिनियम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। मैं बिहार की स्थिति से अच्छे से अवगत हूं। बिहार का क्या है, वहां तो कुत्तों, घोड़ों और छड़ियों के नाम पर भी जमीन का रिकॉर्ड दर्ज है। प्याज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए राजद विधायक का अनोखा विरोध। इन दिनों बिहार समेत कई राज्यों में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज का सेवन कितना करें और करें भी कि ना करें, यह सोचने पर लोग मजबूर हो गए हैं। प्याज के बढ़ते कीमत को देखते हुए राजद विधायक ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। राजद के शिवचंद्र राम विधानसभा सत्र में 3 किलो प्याज का माला पहनकर पहुंचे, जिसके पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्याज लेकर पहुंचेंगे तभी ना मुख्यमंत्री नीतीश जी देखेंगे और हम बताएंगे कि इस महंगाई में लोग कितने परेशान हो रहे हैं। खुलने जा रहा है बिहार का दूसरा चालक प्रशिक्षण केंद्र। बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में बिहार राज्य का दूसरा प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है। नए प्रशिक्षण केंद्र के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवंटित किए गए जमीन पर केंद्र से निर्माण के लिए 5 करोड़ की राशि की मांग की है। सब कुछ निर्देशानुसार चला तो अगले साल की शुरुआत से ही इस नए प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। आपको बता दें, बिहार का पहला प्रशिक्षण केंद्र औरंगाबाद में है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने निकाली रिक्तियां। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कार्यकारी श्रेणी और गैर कार्यकारी श्रेणी के 183 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कार्यकारी श्रेणी में असिस्टेंट मैनेजर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिक, असिस्टेंट मैनेजर SNT के लिए 60% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड इंजीनियरिंग में BE या BTEC डिग्री, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए CA, ICWA की डिग्री, असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए बिजनेस MBA में मास्टर्स डिग्री में HR, PGTM HR न्यूनतम 60 डिग्री अंकों के साथ और असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशंस के लिए मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन में या जर्नलिज्म 60% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। वहीं गैर कार्यकारी श्रेणी में जूनियर इंजीनियर JE सिविल, जूनियर इंजीनियर JE इलेक्ट्रिक, जूनियर इंजीनियर JE SNT के लिए 3 साल का डिप्लोमा संबंधित ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग या स्ट्रीम में न्यूनतम 60% अंकों के साथ, जबकि पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए जनसंचार या पत्रकारिता में स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 दिसंबर तक www.upmetrorail.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही साथ इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियां भी ले सकते हैं। जल पुरुष राजेंद्र सिंह पहुंचे भागलपुर। पर्यावरणविद और जल पुरुष के नाम से कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह इन दिनों भागलपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने समूचे देश में गिरते जल स्तर पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस समय में सम्राट सिटी का निर्माण हो रहा है, मगर पानी के संरक्षण और उसकी बर्बादी के रोकथाम के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार को अभी इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ साथ भूजल स्तर भी बड़ी तेज रफ्तार से नीचे गिर रहा है। रिटायरमेंट की उम्र सीमा में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। भारत में कुछ दिनों पहले रिटायरमेंट की उम्र सीमा में बढ़ोतरी करने पर सोच विचार किया जा रहा था, मगर केंद्र सरकार ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए यह साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट की उम्र सीमा में विदेशी नियम के तर्ज पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, KV सुब्रमण्यम की अगुवाई में पेश हुए बजट में पहले यह बताया गया था कि बढ़ती बुजुर्गों की आबादी और पेंशन फंडिंग के कारण पेंशन कर्मियों की उम्र सीमा में बढ़ोतरी कर देना चाहिए, मगर केंद्र सरकार ने इस मांग पर अपना रुख साफ कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने दी कुशवाहा को नसीहत। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह कहा कि कुशवाहा, जो आज केंद्रीय विद्यालय की जमीन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बेतुका और बेवजह है, क्योंकि जब तक उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री थे तब तो उन्होंने इसके लिए किसी भी तरीके की कोई मांग नहीं की। अगर उन्हें सच में ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने की जरूरत है तो वो आए, हमसे मिले, हम उनका स्वागत करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा। महाराष्ट्र में जारी उथल पुथल पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी है, और हो भी क्यों ना, महाराष्ट्र में कौन बनेगा कुर्सी का दावेदार खेल कई दिनों से खेला जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिए गए इस्तीफे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अंत में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छी भावना प्रबल हुई है, क्योंकि लालच की राजनीति ने संविधान को ताक पर रख दिया है। ऐसे में अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने लोकतंत्र और विश्वास को बनाए रखा है।
कार्टोसैट 3 सैटेलाइट का हुआ सफल परीक्षण। इसरो ने 27 नवंबर को एक इतिहास रच दिया है, जिसके तहत इसरो ने सुबह 9:28 पर सैटेलाइट कार्टोसैट 3 का सफलतापूर्वक निरीक्षण कर दिया है, जिससे कि अब भारतीय सेनाएं पाकिस्तान की नापाक गतिविधियों पर बाज जैसी नजर रख सकती है। जरूरत पड़ने पर यह सैटेलाइट किसी भी तरह के मुश्किलों का डटकर सामना कर सकती है। प्याज की माला पहने संसद पहुंचे सुबोध राय, सभापति ने उड़ाया मजाक। बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के नाम पर राजद नेता सुबोध राय विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने प्याज की बढ़ती कीमत पर बोलना शुरू कर दिया। मगर थोड़ी देर बाद ही सभापति हारून रशीद ने उनका मजाक उड़ाते हुए यह कहा कि महज चर्चाओं में आने के लिए आपका सदन में प्याज का माला पहनकर आना सफल रहा। अब आप टीवी पर दिख चुके हैं तो अपना यह माला उतारकर यहां रख दे। केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के अमर आजाद को किया गया सम्मानित। संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी नई दिल्ली के संविधान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑल बिहार अंबेडकर कल्याण छात्रावास संघ के संयोजक अमर आजाद को नीलकंठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, यह सम्मान हर साल सामाजिक, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को दिया जाता है। शादी के 7 साल बाद करीना ने किया अपनी प्रेम कहानी का खुलासा। करीना कपूर और सैफ अली खान के शादी के 7 साल पूरे हो चुके हैं, मगर 7 साल के बाद करीना कपूर खान ने अपनी प्रेम कहानी से जुड़ा एक अहम खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बताया है कि सैफ अली खान ने उन्हें 2 बार प्रपोज किया था, मगर उन्होंने हाँ नहीं बोला था। करीना ने बताया कि सैफ ने एक शूटिंग के दौरान ग्रीस में मुझे प्रपोज किया था, मगर उस वक्त मैंने मना कर दिया था। लेकिन अब शादी के इतने सालों बाद मुझे यकीन हो गया है कि मैंने अपने जीवन का सबसे सही फैसला लिया है। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड के इस मौसम में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, छपरा, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी देखने लगेगा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में मयंक पहुंचे टॉप 10 में। आईसीसी द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में मयंक अग्रवाल को पहली दफा टॉप 10 में जगह बनाने का मौका मिला है। वहीं आईसीसी द्वारा जारी किए गए टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ से अंकों का फासला कम कर लिया है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए टेस्ट मैच में विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन से कोहली और स्टीव स्मिथ के बीच अब महज 3 अंकों का ही अंतर रह गया है। उद्धव ठाकरे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक खींचतान में अब महाराष्ट्र की राजनीति का समाधान होता दिखाई देने लगा है। 3 दिन के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब उद्धव ठाकरे ने अपना बहुमत साबित कर दिया है, जिसके पश्चात अब उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण करेंगे। चिराग ने की मुख्यमंत्री की तरफदारी। लोजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन की तरफदारी करते हुए कहा कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ सकता है। एनडीए गठबंधन के बारे में गलत सरद भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन हमारी राय गठबंधन को लेकर बिल्कुल साफ है। विपक्षी दलों में फूट है, इसलिए वो इस गठबंधन के बारे में ऐसी बयानबाजी कर रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम गिव अवे 1 के विजेता के नाम की घोषणा करने जा रहे हैं। हालांकि हमारे द्वारा सेट किए गए 5000 लाइक्स का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यह हम लोगों का पहला गिव अवे था। इसके बावजूद भी पहले गिव अवे के विजेता के नाम की घोषणा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 25 नवंबर का जो हमारा वीडियो था वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जहां से हम URL को कॉपी करेंगे। उसके बाद हम ये URL YouTube कमेंट पिकर पर जाकर के पेस्ट करेंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि YouTube रैंडम कमेंट पिकर पे हमने URL को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर उस दिन किए गए 1097 कमेंट्स जो है YouTube रैंडमली पिक करेगा इनमें से कि कौन सा ऐसा कमेंट है जो कि विजेता घोषित होगा। अब मैं इस रैंडमली पिक विनर के बटन को प्रेस करूंगी, जिससे कि मुकेश कुमार का नाम जो है वो सामने आया है। मुकेश कुमार को हमारी टीम की ओर से बहुत सारी बधाइयां। मुकेश कुमार को यह 16GB पेन ड्राइव पहुंचाने की कोशिश जल्द से जल्द हमारी टीम करेगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं आज के गिव अवे 3 के सवाल पर। सत्यपाल मलिक, बिहारियों के द्वारा जमीन खरीदने को लेकर दिए गए बयान पर आपके क्या विचार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, गिव अवे 3 को जीतने के लिए हमारी आज की इस वीडियो पर 5000 लाइक्स नहीं बल्कि 6000 लाइक्स होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि आपको लाइक के साथ साथ कमेंट भी करना है, क्योंकि विजेता कमेंट्स के आधार पर ही चुना जाएगा। उसके बाद हमारी टीम YouTube रैंडम कमेंट पिकर से कमेंट पिक करके विजेता के नाम की घोषणा करेगी। धन्यवाद।